हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आपको लेकर चल रही हूं एक बर्थडे पार्टी में। तो ये है मेरे कज़न के बेटे की बर्थडे पार्टी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं दिखाती हूं कैसा रहा मेरा आज का ये दिन। सो मेरा नेफ्यू जिसका बर्थडे था, ही वॉज टर्निंग 10। एंड बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वैसे भी आई नो मैं 5 साल बाद इंडिया आई हूँ, बट जब मैं उसे लास्ट मिली थी वो बहुत छोटा सा, अभी भी बहुत क्यूट है पर तब भी इतना क्यूट सा था। तो सो मैं उसके बर्थडे पे उनके साथ सेलिब्रेट करी थी। आई वॉज सो हैप्पी। एंड उन लोगों ने सारे, मतलब मेरी ना मेरे बर्थडे की बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ऐसे ही सारे गली के अपने एरिया के बच्चे इकट्ठे करके हम लोग केक कट करते थे एंड देन उसमें बिस्किट और टॉफ़ी और नमकीन थोड़ी सी और केक का एक छोटा सा पीस रख के डिस्पोजेबल प्लेट में मॉम दिया करती थी सब बच्चों को। और ये रिचुअल नॉट जस्ट फॉर माय बर्थडे, हमारे टाइम पे सब एरिया में जिसका भी बर्थडे होता था इसी तरीके से सेलिब्रेट करते थे। सो मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगा कि मैं अपना बचपन वापस से एक बार जी रही हूँ एंड ही वाज सो हैप्पी। आजकल तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है, आप देख सकते हो कैंडल डिफरेंट आती हैं और बहुत सारी हैं कि केक बहुत डिफरेंट तरीके के हैं, इसका केक कितना सुंदर बना है। हमारे टाइम में तो एकदम सिंपल केक होता था, ऊपर से वो व्हिपिंग क्रीम के फ्लावर्स हो जाते थे एंड सिंपल छोटी सी केक कैंडल होती थी जो केक पे लगती थी। तो बहुत सिंपल तरीके से होता था हमारा बर्थडे और डेकोरेशन में रिबन से हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था। अब की तरह वो नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैकड्रॉप्स नहीं होते थे। सो इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि ओके चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी भी कुछ कुछ चीज़ें जो पुरानी ही चलती आ रही हैं कि सारे ऐसे बच्चे इकट्ठे होके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो अगर मैं अब आरव के बर्थडे की बात करूँ तो मेरी कज़न पूजा, वो भी अपने ससुराल से आई हुई थी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने एंड इसी बहाने मैं उससे भी मिली। मैं उससे भी बहुत सालों बाद आफ्टर 5 ईयर्स ही मैं उससे मिली हूँ। सो बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरव, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो बच्चा पार्टी के साथ हम बर्थडे मना के गए रेस्टोरेंट केसरी में, जो कि उनके घर के पास ही था बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सो मैंने जैसे ही एंटर किया, इट वाज अ वेरी डिफरेंट। उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, तो पूरा आर्टिफिशियल घास लगाई हुई थी एंड जंगल जैसा आई थिंक थीम था उसका, तो काफ़ी अच्छा था जो मुझे देख के इंटीरियर लग रहा था उसका। सो हम पूरी फैमिली वहाँ पे गए थे, बुआ जी, फूफा जी, पूजा, जीजू, पूजा का बेबी एंड गोलू उसकी वाइफ। अरब ये बताओ कितने साल के हो गए हो? 10। 10 साल के। आपको याद है आपको नाम किसने दिया है, आपका आरव नाम किसने रखा है? आपने। यस, इसका नाम भी मैंने ही रखा है। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा लग रहा है, आपने केक कट कर लिया अब यहाँ पे आए हो? हाँ अच्छा लग रहा है। क्यूट बच्चा है यार ये मेरा, इतना क्यूट बच्चा है। सो अब मैं अगर आपको रेस्टोरेंट दिखाऊं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर ही वॉशरूम था, बट उन्होंने पूरा वॉलपेपर लगाया हुआ था तो आप देख नहीं सकते थे अगर वो उन्होंने वॉशरूम का साइन ना लगाया हो तो। एंड वहाँ पे उन्होंने वॉच जो थी, वॉल क्लॉक, वो मोर वाली बनाई हुई थी। लाइट्स उन्होंने बंदर के हाथ में दिया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा तरीके से उन्होंने वहाँ पर वो रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया, मैं सही बताऊँ तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। एंड मैं न्यूजीलैंड में ज़्यादा सिंपल सिंपल रेस्टोरेंट्स होते हैं तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा ही आई थिंक पसंद आ रहा था। जो इस रेस्टोरेंट में रेगुलर जाते होंगे, आई डोंट नो, उन्हें ज़्यादा हरा तो नहीं लगता, बट फॉर मी दैट वॉज गिविंग अ वाइब ऑनेस्टली। और उन्होंने वहाँ पर अगर आपको बर्थडे साइंस वगैरह लगाने हैं आप वो भी लगवा सकते हैं उनको बोल के। सो मैं अगर खाने की बात करूं तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था हनी चिली पोटैटो।
सो नाउ इट्स टर्न फॉर हनी चिली पोटैटो. अच्छा यार. नहीं थैंक यू. सो नेक्स्ट जो मेंस में था वो था पनीर एंड हमने ऑर्डर किया था दाल तड़का बिकॉज जीजू पूजा के हस्बैंड को बहुत पसंद है एंड सैलड. और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वो ज़रूर मिलता है सिरके वाला प्याज और चटनी एंड हमने ऑर्डर किया था दाल मखनी. और ये थी मेरी प्लेट जिसमें एक दो चीज़ें मिसिंग है अभी. सो फर्स्ट है पनीर. वाह ये दाल मखनी सारांश डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे. बहुत अच्छी दाल मखनी है. वेरी नाइस. हाँ जेन्युइनली बहुत अच्छा है यहाँ का. सो नेक्स्ट है मेरे पास दाल तड़का विद सिरके वाला प्याज. वाह इनकी चटनी दिखाती भी इतनी हरी है. आई थिंक ये दही नहीं डालते इसमें. खट्टी तो है. हाँ आपको यहाँ पे क्या पसंद है ये बताओ आप. पनीर बहुत ज्यादा पसंद आई मेरे को. केसरी की रोटी आप भी खा के देखना. हाँ डेफिनेटली खाना अच्छा है यहाँ का. दाल मखनी भी अच्छी लगती है आपको. मेरे को तो दाल मखनी भी बहुत अच्छी लगी. हाँ मेरे को भी. आपको अच्छी लगती है? हाँ. देखा बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं एंड ये पेड प्रमोशन नहीं है. मैं यहाँ किसी को नहीं जानती ऑनेस्टली. तो जेन्युइनली खाना बहुत अच्छा है यहाँ का. सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो. और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.